अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अक्सर ज्यादा और आप लोग सुन रहे हैं इमोशन एक्सप्रेस विद नई सुबह। सो कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगियों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। काफी अरसे बाद लिसनर्स आप लोगों से मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह अब से लेकर एक घंटे तक आप लोगों से हम बहुत सारी बातें भी करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को बताते चलें कि अब हम फिर से आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं एक नए शो के साथ, एक नए फॉर्मेट के साथ और एक नए आरजे के साथ। बिल्कुल 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 लिसनर्स, जी 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 जी, मेरे साथ हैं इस बार भी को आरजे, क्योंकि जाहिर सी बात है अकेले शो करने में ना मजा नहीं आता। लिसनर्स, आप लोग तो साथ होते हैं लेकिन मेरा दिल करता है कि मेरे साथ इधर स्टूडियो के अंदर भी कोई हो जिससे मैं बहुत सारी बातें कर सकूं और वो मुझसे बहुत सारी बातें कर सके और इसी के साथ साथ जो है ना हम दोनों मिलके आप लोगों से बहुत सारी बातें कर सकें और आप लोग भी हम तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? वही पुराना तरीका है, ज्यादा कुछ नया नहीं है। SMS के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू करना किस तरीके से वो भी आपको बताएंगे बहुत ही जल्द। अच्छा लिसनर्स, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस तरह मैंने बात की कि जी शो नया, फॉर्मेट नया, लेकिन शो का नाम तो इमोशन एक्सप्रेस है। जी जी लिसनर्स, शो का नाम बिल्कुल इमोशन एक्सप्रेस है। हम इस वाले शो के अंदर भी इमोशंस के ऊपर ही बात करेंगे लेकिन एक नए अंदाज से, एक नए आरजे के साथ। ठीक है जी, तो मैं तो बिल्कुल इस शो के अंदर पुरानी ही हूँ। मेरे लिए तो ये शो वैसे ही है जैसे पहला था, लेकिन जाहिर सी बात है जब हम पुरानी चीज को दोबारा से शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर नया लेकर आते हैं। और वो नया क्या है? बिल्कुल जी, ये भी आपको बताते चलते हैं कि नया हमारे पास नया आरजे है और साथ ही साथ उनका भी कुछ नया कंटेंट है और इन इमोशंस को भी हम एक नए तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, नए कंटेंट के साथ। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने रहना है हमारे साथ कहाँ पे जी? हमारा प्लेटफॉर्म है नई सुबह, जिसमें हम आप लोगों के लिए मुख्तलिफ शोज करते हैं और आप लिसनर से यही इल्तिजा भी है कि आप लोगों ने इन तमाम शोज को सुनना है और इनको अपने अपने अंदाज में जरूर सराहना है। तो अब लिसनर्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साथ कौन है? तो मेरे साथ हैं उरूसर शकील, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इन्होंने जो है इस शो को पसंद किया, इस कंटेंट को पसंद किया, इस जॉनर को पसंद किया, इस फॉर्मेट को पसंद किया और अब ये बहुत दिलचस्पी के साथ मेरे साथ शो करना चाहती हैं। और ये इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और फर्स्ट टाइम ये स्टूडियोज आई हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं ऑफर इनसे बहुत सारी बातें भी कर रही थी शो के हवाले से और काफी ये तैयारी भी करके आई और काफी अच्छी इनकी आवाज है। आप लोग सुनेंगे और आप लोग को अंदाजा होगा कि माशाल्लाह कितना अच्छा बोलती हैं। और मैं नई सुबह का बहुत ज्यादा थैंक्स अदा करूंगी कि नई सुबह ने इनको जो है वो यहाँ पे शो करने का मौका दिया और इनके पास जो मालूमात है वो इंशाल्लाह ये हम सबसे शेयर करेंगी और हम सबको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। सो अस्सलाम वालेकुम उरूसा, कैसी हैं आप और कैसा लग रहा है आज आपको स्टूडियो जाके? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच रक्सा, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो आके आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर्स हैं उनको भी ये शो और मेरा यहाँ आना और हमारा ये शो करना और हमारा मिलकर इस शो को आगे बढ़ाना पसंद आएगा और जरूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है। सो उरूसा, आप मुझे ये बताएं कि क्या फॉर्मेट है हमारे शो का, हम अपने शो पे क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, शो का फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को शो का नाम तो पता चल चुका है, इमोशन एक्सप्रेस। तो हम लोग सबसे पहले तो कुछ इमोशंस को इस शो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे इमोशंस जो कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होते हैं। एंड मैं आपको बताऊं कि जो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर होता है कि वो 80% तक हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही होती है, उसको मुतासर कर रही होती है। तो इस शो के अंदर सबसे पहले तो हम कुछ इमोशंस को करेंगे डिस्कस, नेक्स्ट हम करेंगे इसके अंदर डिस्कस कुछ पोएट्री को। जैसे कि आपको पता है कि हम जज्बात को बयान करने का सबसे जो बेहतरीन जरिया होता है वो होती है पोएट्री, और शायरी के जरिए आप अपने जो आपके एहसास, अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी एंड हैरत अंगेज और खूबसूरत खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी वंडरफुल न्यूज जो कर देंगी आपको हैरान, और ऐसी हैरत अंगेज खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी वसातत से बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा।
राइट जनाब, तो इतना जबरदस्त प्रोग्राम आपके लिए मैं और उरूसा लेकर आए हैं और इंशाल्लाह हम लोग की कंपनी भी आप लोगों को बहुत एंजॉय करवाएगी और हम दोनों भी अपनी कंपनी से बहुत कुछ एंजॉय करेंगे लिसनर्स। अच्छा जी उरूसा, इसी के साथ साथ हम बताते चलें कि जैसा कि आपको पता है कि जो पिछला वीक है वो हमारा गुजरा है 14 अगस्त के हवाले से, और आपको पता है कि नई सुबह भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा होता है, इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, साथ ही साथ नई सुबह के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हैं और आप भी नई सुबह की स्टूडेंट रह चुकी हैं और नई सुबह में अब आप यहाँ पे वेब रेडियो पे जो है वो शो भी कर रही हैं, अब आप RJ भी बन गई हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो आप बताइए कि आपका जो पिछला वीक है इवेंट था 14 अगस्त के हवाले से, और पाकिस्तान जाहिर सी बात है अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और फिर उसके बाद जो है कायदे आज़म ने इस ख्वाब को यकीनी बनाया और हम आज आजादाना तौर पर एक अलग वतन में जो है वो जी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी 14 अगस्त के हवाले से या अल्लामा इकबाल के हवाले से, और साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त के लिए आपने क्या किया, कैसा गुजरा आपका इवेंट और किस तरह आपने जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट किया और किस तरह आपने पाकिस्तान को जो है खराज तहसीन पेश किया। जी बिल्कुल, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जो अगस्त का महीना है वो सब के लिए ही एक बहुत अहमियत का हामिल है, और ख़ास तौर पर जो 14 अगस्त है वो बहुत ज़्यादा एक स्पेशल दिन होता है हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी में, क्योंकि ये हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम और जो हमारी एक लिबर्टी का दिन है। और ये दिन मैं आपको बताऊँ अक्सर कि जो दिन है ये सबसे पहले तो हमें पाकिस्तान की दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो अमन है, जो सलामती है वो कायम रहे, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। और ये दिन कैसा गुजरा तो मैं आपको बताऊंगी, ये दिन बहुत अच्छा गुजरा। सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान में आपको पता है बच्चे जो होते हैं वो झंडियाँ और जो सब हिलाली परचम होते हैं वो लेकर घूम रहे होते हैं, बच्चों के इतने अच्छे अच्छे कपड़े हम लोग लेकर आते हैं। इनफैक्ट मैंने भी एक दुपट्टा लिया था 14 अगस्त के हवाले से, ग्रीन कलर का, बहुत अच्छा था। और जिनके इस तरह के बच्चियां होती हैं वो दुपट्टे लेती हैं, बैजेस होते हैं, झंडियां होती हैं, तो बहुत एक अच्छा दिन होता है। और अब मैं आपको बताऊं कि जो वतन से मोहब्बत होती है वो इंसान के ईमान का हिस्सा होती है, और जब हम अपने इर्द गिर्द लोगों को इस तरह देखते हैं अपने मुल्क से मोहब्बत करते हुए, उसका इजहार करते हुए, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि हम लोग कितने कनेक्टेड हैं अपने कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पूछना चाहूंगी कि आपका ये दिन कैसा गुजरा, आप ही बताइए जरा। मेरा दिन कैसा गुजरा, मेरा दिन भी इसी तरीके से जो है वो मैंने भी अपने लिए एक ड्रेस बनवाया था, क्योंकि आपको पता है कि मैं नई सुबह के अंदर एज एन एम्प्लॉय भी काम कर रही होती हूँ। तो 13 अगस्त को हमारे पास इवेंट था नई सुबह के अंदर, तो उसमें जो है वो हम लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की, सिंगिंग की, और इसी के साथ साथ मैंने होस्टिंग भी की थी, बहुत मज़ा आया। और होस्टिंग तो काफ़ी अरसे से करती भी आ रही हूँ, और मैं कहती हूँ ना कि नई सुबह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो ये सिंगिंग और होस्टिंग और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अक्सर अप्लाई भी कर रही होती हूँ। साथ ही साथ जो है वो हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी, कॉम्पिटिशन था हमारा मैंगो मीनिया के नाम से, तो वो भी हम लोगों ने किया था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, बड़ा मज़ा आया। तो मेरी 14 अगस्त जो होती है ना वो नई सुबह के नाम पर ही है पिछले 4-5 सालों से, तो मैं नई सुबह के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि रात 12 बजे 13 अगस्त की जो रात होती है, 12 बजे यानी कि दिन तब्दील हो जाता है, तो उसी रात 12 बजे जो है वो आतिशबाजी शुरू हो जाती है, और फिर जो लड़के होते हैं वो घरों से निकल जाते हैं और फिर जगह जगह जो है वो बाजे बजना, बल्कि बाजे बजना जो होता है ना वो 4-5 दिन पहले ही शुरू हो जाता है, और फिर हमारी तरफ एक मेला लगता है, स्टॉल लगते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, तो वो भी जाके मैंने फिर विजिट किए अपने जो है वो, जो 14 अगस्त वाले दिन छुट्टी होती है जाहिर सी बात है ऑफिस वगैरह से, तो मुझे तभी टाइम मिल पाता है, तो फिर मैंने उस स्टॉल को विजिट किया, वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे, चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए थे, और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो अपने करतब दिखा रहे थे, उन चीज़ों के भी काफ़ी स्टॉल्स वगैरह थे, तो बहुत इंजॉय करते हैं। और जाहिर सी बात है जिस तरह आपने भी कहा कि आज़ादी का दिन है, तो फिर आज़ादी में जो है ना कोई परेशानी नहीं, और आपको बिल्कुल आज़ादाना तरीके से ही इंजॉय करना पड़ता है, फिर कोई बच्चा नहीं, कोई जवान नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, बस आप जिस सिचुएशन में हैं और आपने इंजॉय करना है, बस यही चीज़ होती है। तो इसी तरीके से जो है वो हमने गुजारा दिन। और चले ये तो थी 14 अगस्त की बातें, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आपको कि उरूसा अल्लामा इकबाल ने ये सबसे पहले ख्वाब देखा, तो मैं चाहती हूँ कि अल्लामा इकबाल पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालें और उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करें अपने लिसनर से, तो क्या कहना चाहेंगे।
बिल्कुल, अल्लामा इकबाल जो है वो हमारे रहमतुल्लाह अलैह, हमारी जो पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसमें एक ऐसा एलिमेंट है कि जिसको आप चाहकर भी जो है वो आप फरामोश नहीं कर सकते हैं। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, और जैसे कि कैद आजम मोहम्मद अली जिना और अल्लामा इकबाल, अगर हम ये कहें कि अगर ये इन दोनों शख्सियात में से कोई एक भी ना होती तो आज पाकिस्तान जिस सूरत और जिस हालत में हमारे पास मौजूद है कभी भी ना होता, तो ये चीज गलत नहीं होगी। क्योंकि जब अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर की कैद आजम मोहम्मद अली जिना ने, और वो ख्वाब इतना जबरदस्त और वो इतना एक अच्छा और वो इतना एक कम्प्लीट था कि आप देखें कि वो फरमाते हैं कि जो पाकिस्तान है आप उसको किस तरह बनाए, जो उन्होंने नक्शा पेश किया वो बहुत ज्यादा जबरदस्त था। जैसे कि उन्होंने अलाहाबाद में खिताब करते हुए फरमाया कि जो भी मुस्लिम अक्सरियती रियासतें हैं, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां पे आप जो है वो उन रियासतों को मिला के आप पाकिस्तान बना दें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब उनका बाद में शर्मिंदा ताबीर हुआ और पाकिस्तान जो है वो हमारे सामने और जिंदा मिसाल की सूरत में मौजूद है कि आप जब कोशिश करते हैं, आप जब हिम्मत करते हैं, जब आप स्ट्रगल करते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर और आपको उसका सिला जरूर दे। बिल्कुल बिल्कुल रुसा, आपने जो ये बातें की अल्लामा इकबाल के हवाले से, और बिल्कुल सही बातें की हैं आपने। और मुझे लगता है कि अब हमें ब्रेक की तरफ जाना चाहिए, पर ब्रेक की तरफ जाने से पहले लिसनर्स, मैं आप लोग को बताती चलूं कि आप लोग हमसे रابطہ कैसे कर सकते हैं। रابطہ करने के दो जराए हैं, एक तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू रابطہ कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072, ठीक है, इस पे आप हमें रابطہ कर सकते हैं, आप लोग के पास ऑलरेडी सेव होगा, और अगर सेव नहीं है तो फिर भी आप लोग सेव कर लीजिए। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, इस पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे हमसे कुछ रابطہ करने के तरीके, तो अब चलते हैं एक अदद सॉन्ग की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक सॉन्ग ना सुने तो एनर्जी कैसे आ सकती है। तो एनर्जी लेते हैं थोड़ी सी और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग की तरफ चलते हैं, और आपने कहीं नहीं जाना, सुनते रहना है इमोशन एक्सप्रेस विद आरजे अक्सरज़ादा एंड रूसा। वेलकम बैक, हम आ चुकी हैं वापस इतना प्यारा और खूबसूरत सा सॉन्ग सुनने के बाद। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगा और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया। वेल, हमने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बहुत अच्छा सॉन्ग था। और कैसा हो सकता है कि हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हों, पाकिस्तान की हिस्ट्री कल्चर और उन चीजों पर बात कर रहे हों, और हम कोई सॉन्ग प्ले ना करें और हमको उस दौरान वो सॉन्ग सुन के अच्छा ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम लोग अल्लामा इकबाल पर जरूर डिस्कस करेंगे, और हमने कुछ हद तक डिस्कस कर भी लिया। अल्लामा इकबाल एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि उन पर जितनी बात की जाए वो कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इमोशंस होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो बेहतरीन जरिया है वो है पोएट्री, और उन्होंने जो अपने जज्बात और एहसास का इजहार किया है वो बहुत अच्छा किया है अपनी पोएट्री के जरिए। तो उनकी पोएट्री इतनी मुकम्मल और इतनी कम्प्लीट है कि आप चाहकर भी और कोई भी चाहकर भी उसमें से कोई गलती या कोई ऐसी चीज निकाल नहीं सकता कि जिस पर कोई एतराज कर सके। तो आज हम लोग अल्लामा इकबाल की कुछ पोएट्री और उनकी कुछ अशआर आपके साथ शेयर करेंगे, और आप देखिएगा कि उन अशआर को सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई वो हमारे कौमी शायर हैं। और अल्लाह ताला का ये एहसान है कि उसने हमें एक ऐसा शायर दिया कि जिसकी शायरी को सुनने के बाद आपको वाकई एक फख्र हो जाएगी। सो हम लोग अभी यहाँ पे पेश कर रहे हैं अल्लामा इकबाल के कुछ अशआर, तो आप लोग भी सुनिए और इंजॉय कीजिए हमारे साथ। राइट जनाब, तो उरूसा आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर ली अल्लामा इकबाल के हवाले से, और जब मैं इनकी शायरी सुनाऊंगी तो उससे मज़ीद लिसनर्स को क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप शायरी के ऊपर भी तबसरा कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की शायरी। तो जी मैं पेश करती हूँ उनके चंद अशार बांगे दरा से, शुरू करते हैं जी। टहनी पे किसी शजर की तरह बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियाने तक हर चीज पे छाया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहोजारी जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से
कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं रात में रोशनी करूंगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। सुभान अल्लाह, दैट्स ग्रेट, इतनी प्यारी पोएट्री माशाल्लाह। और बिल्कुल आप लोगों को भी सुनकर उतना ही अच्छा लगा होगा जितना हम लोगों को सुनकर अच्छा लगा, और अक्सा ने इतना खूबसूरत और इतना अच्छा इसको बयान किया और इसको पढ़ा। और ये जो नज़म है अल्लामा इकबाल की, जो कि बांगे दरा से ली गई है, और बेसिकली जो इसकी थीम है वो है हमदर्दी पे, यानी कि जो एक बुलबुल होता है वो रात के अंधेरे से घबरा रहा होता है और वो परेशान होता है और वो घबरा रहा होता है कि वो रात को अब तन्हा कैसे अपने अशियाने तक पहुंचेगा। इसी तरह जहाँ पर जो जुगनू है वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर अंधेरा है तो तुम इससे परेशान मत हो और घबराओ मत, ये जो अंधेरा है ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता तुम्हारा, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अल्लाह ने मुझे जो नूर और जो रोशनी और जो मशल दी है मैं उसके जरिए तुम्हारी मदद करके तुम्हें तुम्हारे अशियाने तक पहुंचा सकता हूँ। और यहाँ पर जो एंड में शेर था कि लोग वही जो है वो इस दुनिया में, इस जहान में अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं, और बिल्कुल जैसे कि कहा जाता है उर्दू में कि ये जो दुनिया है वो अच्छे लोगों के जरिए ही चल रही है और उनकी बदौलत ही चल रही है। तो जो हमदर्दी है, जो आपकी सिंपती है लोगों के साथ, वो आपको बेशक उरूज भी देती है। और जब आप दूसरों के काम आते हैं तो जिस तरह जुगनू को रोशनी मिली क्योंकि वो दूसरों के काम कर रहा है, वो दूसरों के काम आ रहा है, तो आपने उसकी रोशनी दी और उसकी रोशनी बढ़ा दी। इसी तरह जब आप दूसरों के काम आते हैं, जब आप उनकी मदद करते हैं, अगर हम इसको पाकिस्तान के हवाले से भी देखें तो हमें एज अ पाकिस्तानी, चाहे हम ओवरसीज पाकिस्तानी हो या फिर अपने मुल्क में, हमें अपने पाकिस्तानियों की जरूर मदद करनी चाहिए। जिस तरह के यहाँ पर जुगनू को कहा गया है कि अल्लाह ताला ने उस पर कितना इनाम किया, तो बिल्कुल जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला भी आप पर इनाम जरूर करते हैं और आपको उसका अजर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने सही कहा उरूसा कि शेरो शायरी के अंदर इंसान के जो एहसासात होते हैं ना वो बाहर आते हैं और वो उभर के सामने आते हैं, और इस शायरी को पढ़कर या इस शायरी को सुनाकर वाकई में इस बात का एहसास हुआ है कि कोई भी इंसान जो है ना उरूसा अकेला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल, जब तक हम दुनिया में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे या एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो देखिए अब अगर जैसे मेरे पास आप आई मदद के लिए कि भाई मेरी इस चीज में मदद कर दो, और मैं आपको इनकार कर दूं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मैं आपको इनकार कर दूं, और वही पता है क्या, जब मैंने आपको इनकार किया ना तो अगले दिन मुझे आपसे जरूरत पड़ सकती है मदद, ठीक है ना, क्योंकि अकेले ना आप कुछ हैं और ना अकेले मैं कुछ हूँ। हम कहते हैं ना कि हम ये रेडियो शो, अब ये रेडियो शो करके की मिसाल ले लेते हैं, हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं और आप, हमें कह दिया जाए कि जी आपने अलग जो है वो सोलो शो करना, तो देखिए सोलो शो करने को कर लिया जाता है, लेकिन आपके सामने जो हम पेश होते हैं ना वो ऑडियो के थ्रू पेश होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे और रूसा के अलावा भी हमारी टेक्निकल टीम है। अगर वो टेक्निकल टीम हमारे साथ नहीं होगी तो मेरा और उषा का और आप लिसनर्स का साथ जुड़ना मुश्किल है, आप लोग हमें सुन नहीं पाएंगे और हम लोग आप लोगों के साथ यहाँ पे शो कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो ताल्लुक है, जो तावुन है, जो सपोर्ट है, वो हमारी टेक्निकल टीम कर रही होती है। इसी तरीके से मैं और उरूसा, हम दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उरूसा मुझे टेक्निकल सपोर्ट कर रही होती है, मैं उरूसा को कर रही होती हूँ, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक दूसरे की हेल्प के बगैर नहीं कर सकते होते हैं, या ऑन ईयर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम दोनों ने जो है वो मैनेज करना होता है। तो ये इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन चलती है और इसी को हम टीम वर्क भी कहते हैं, और ये सब भी जो है वो हमदर्दी के ज़ुमरे में ही आता है और इसी के ज़रिए जो है वो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि अकेला इंसान कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला भी हमारे लिए इंसानों को ही जरिया बनाते हैं। जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला मेरा ये मसला हल फरमा दे, या मुझे कोई वसीला अता फरमा, या मुझे कोई जरिया अता फरमा, या अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर है वो कर दे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए किसी को भी अगर भेजते हैं ना तो वो वसीले के तौर पर भेजते हैं, जरिए के तौर पर भेजते हैं, जिसके जरिए फिर हम जो है वो अपने काम को या अपने मसले को हल कर पाते हैं, ठीक है ना।
तो इसी के साथ मुझे लगता है उरुसा के हमें ब्रेक की तरफ जाना चाहिए। सो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक की तरफ जाइए लेकिन एक खूबसूरत और अच्छा सा सॉन्ग सुनते हुए जाइए। सो हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, तो हम बहुत ही जबरदस्त सा सॉन्ग सुन के वापस आ चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वाला सॉन्ग बहुत इंजॉय किया होगा। साथ ही साथ मैंने शायरी भी सुनाई थी सॉन्ग पर जाने से पहले और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उरुसा ने। और इसी के साथ साथ अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपनी कुछ वंडरफुल न्यूज की जानिब। सो उरुसा, आज आप हमारे साथ कौन सी खबरें शेयर करने वाली हैं? जी बिल्कुल, तो हम लोग लाए हैं आपके लिए कुछ वंडरफुल और हैरतअंगेज खबरें जो कि आपको बहुत ज्यादा हैरान भी करेंगी और आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि हमने क्यों नहीं पहले सर्च किया या हमने पहले क्यों नहीं जाना इसके बारे में। तो बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास, क्योंकि अगस्त का महीना है तो हम लोग जाहिर बात है पाकिस्तान के बारे में शेयर करेंगे। सो पहली खबर मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान के बारे में, जो कि आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानगी हो शायद जो लोग नहीं जानते। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान खेवड़ा, जिसे कहते हैं खेवड़ा और कुछ लोग उसे खेवड़ा भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये चीजें हमारी मादरी जबान में तो बदल जाती हैं, तो पंजाबी प्रोनाउंसिएशन का मसला होता है। जी बिल्कुल, कुछ लोग इसको खेवड़ा कहते हैं और कुछ लोग इसको खेवड़ा कहते हैं। सो बेसिकली ये कान है और ये साल में 350 टन नमक जो है वो पैदा करती है और इसको पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है और इनफैक्ट पाकिस्तान से बाहर भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये जो नमक है इनफैक्ट ये इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जो पाकिस्तानी नमक है और जो ख़ास तौर पे जो खेवड़ा कान है जो इसका नमक है बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इनफैक्ट मैंने यहाँ पे विजिट भी किया हुआ है और बहुत अच्छी ये जगह है। अरे वाह, तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना कि आपका कैसा रहा विजिट। बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने जब यहाँ पे हम लोग गए तो मीन के ना आपको एक वो पहले से खुशबू आ रहा हो जाती है नमक की ना, कि ना यहाँ पे ना हर तरफ लगता है कि आपने एक नमक के घर में और एक नमक की दुनिया में आ गए हैं, इस तरह का वो एक होता है। और वहां से गुजरना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। बहुत मुश्किल होता है, यानी कि आपकी आंखों में ना वो चीज आपको ना वो एक खतरा होता है कि आपकी आंखों में जा रहा है, आपके कान में, आपके नाक में, इनके ना वो पूरी फीलिंग आ रही है। क्योंकि अच्छा इसमें ये होता है जब जब हम इसको खाने में, क्योंकि जाहिर सी बात है नमक जो है वो हम इसको खाने वगैरह की अशिया में ही इस्तेमाल करते हैं और कभी भी जब हम खाना जब बनाते हैं अगर ज्यादा कर लेंगे तो खाना जो है वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं होगा और अगर डालेंगे नहीं तो खाना इसके बगैर अधूरा होता है, यानी कि फीका फीका होता है और इसको बंदा खा नहीं सकता लेकिन इसको किसी चीज में डाल के ही खाया जाता है और इसको जो है अगर खा लिया जाए तो बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन ये भी देखे ना कितनी कुदरत की जो है ना, मैं समझती हूँ कि कुदरत की कितनी अच्छी नेमत है कि इसको जो है वो हम खाने में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम इसको किसी चीज में शामिल किए बगैर वैसे नहीं खा सकते, वैसे खाते हैं तो हमसे खाया ही नहीं जाता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अक्सर कहा जाता है कि जैसे जो खांसी होती है तो कहते हैं कि आप थोड़ा सा नमक चख लें तो आपकी जो खांसी है वो रुक जाती है, नॉर्मल हो जाती है। और मतलब इसको जो है वो ज़्यादा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के अंदर भी, और अगर आप वैसे खा रहे हैं तो आप इसको छुटकी के हिसाब से ही खा सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा खाया नहीं जाता। बहुत ही समझ लें कि एक इस तरह का चटखारे वाला और कड़वा इसका जो है वो जायका होता है। तो लेकिन फिर भी जो है ना ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसकी एक अपनी जगह है और इसकी एक अपनी अहमियत है। मुझे एक शौक पैदा हो रहा है कि आप भी विजिट करके आ चुकी हैं तो मेरा भी दिल कर रहा है कि भाई मैं क्यों ना जाके यहाँ पे विजिट करूं और बड़ा मजा आता है। तो अच्छा बिल्कुल जरूर रहिएगा। जी बिल्कुल, तो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो हम शेयर करते हैं कि सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर है, यानी कि जो पाकिस्तान है वो सबसे बड़ा एम्बुलेंस का नेटवर्क ऑन करता है, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान के पास है। अमेरिका या किसी बरतानिया उनके पास नहीं है, तो हमारे पास है और जो कि है ईदी एम्बुलेंस। तो देखें ईदी साहब ने कितना ज्यादा काम किया पाकिस्तान के लिए। खतरे भी तो यहाँ पे ज्यादा होते हैं उरुसा।
मिनट मिनट पे जरूरत पड़ती है हमें एम्बुलेंस की, अल्लाह माफ करे वैसे तो, लेकिन फिर भी मतलब जरूरत तो पड़ती है ना इमरजेंसी में, तो हमें एम्बुलेंस ही याद आती है ना। आती है बिल्कुल। और इसके अलावा जो एयर एम्बुलेंस है पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी पैदा की जा रही है। इस मामले में एक अच्छा जो है वो वर्कआउट हुआ है। सो नेक्स्ट जो हम अपनी खबर शेयर करने वाले हैं वो है कि पाकिस्तान में कितनी जुबानें बोली जाती हैं। तो आप लोग कितनी जानते हैं प्लीज जरूर बताइएगा कि आप लोग कितनी जुबानें जानते हैं इस वक्त कि पाकिस्तान में कितनी जुबानें बोली जाती हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि असल में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रेंज है, हैं तो हम वैसे पाकिस्तान नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं 60 से ज्यादा जुबानें, यानी कि पाकिस्तानी 60 से ज्यादा जुबानें बोलते हैं। सो जिसमें उर्दू जो कि हमारी कौमी जुबान है, इसके अलावा अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी और गिलगिती, कश्मीरी और पता नहीं कौन कौन सी हिंद को, बहुत सारी जुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक इतना एक रंग बिरंगा एक कलरफुल कल्चर है कि लोग इतनी सारी जुबानें बोलते हैं, लेकिन फिर भी 14 अगस्त मिलकर मनाते हैं अपनी आजादी। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि जिस तरह हमारी सकाफत है वो कितनी कलरफुल है, हम लोग जो है वो एक साथ मिल के त्योहारों में एक साथ होते हैं, चाहे हमारी अकलियतें हैं या हम मुसलमान हैं, लेकिन हम सब जो अपने त्योहार हैं वो मिल के मनाते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं बुरे वक्त में। और मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी का बेहतर तरीका जीने का यही है कि आप एक दूसरे के काम आओ बुरे वक्त में और एक दूसरे के साथ हमेशा रहो भले जैसे ही हालात। बिल्कुल, तो हमारी खबर है जो हम शेयर करते हैं, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सैराब मौजूद है, हर यानी कि जो सबसे बड़ा इस दुनिया में सैराब है वो पाकिस्तान के पास है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतों से माला माल कर रखा है, यानी कि हमारे पास सैराब है, पहाड़ है, मैदान है, यानी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ की जो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा पहाड़ है केटू, उसकी चोटी भी हमारे पास है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई रूसा। बिल्कुल, और इसके अलावा हम लोग शेयर करें कि पाकिस्तान में जो दस्तकारी है उसका जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो बहुत ज्यादा जो है वो मशहूर है और लोग इतनी प्यारी प्यारी चीजें बनाते हैं अपने हाथ से। अक्सर आपने भी देखा होगा कि लोग इतनी प्यारी प्यारी चीजें अपने हाथ से बना लेते हैं, जैसे कि पहले जो है वो रेशम के जो कपड़े हैं वो बनाए जाते थे, और जिसको हम कुरेशिया कहते हैं उसके कपड़े बनाए जाते थे, और इसके अलावा आजकल भी जो मट्टी के बर्तन होते हैं प्यारे प्यारे बनाए जाते हैं, लकड़ी का काम किया जाता है। सो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोगों के अंदर टैलेंट है, बस उसको दरियाफ्त करने की और जो ये जो सनत है इसको हमें जो है वो आगे बढ़ाने की और इसमें काम करने की जरूरत है। और जो नेक्स्ट हम लोग न्यूज शेयर करने वाले हैं वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान के पास थी। उसमें कुछ अभी जो है वो आई है मंदी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, और ये सबसे बड़ी जो है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो कि फैसलाबाद में मौजूद है पाकिस्तान के पास ही रहेगी, यानी कि जो कपड़ा है वो पाकिस्तान से बन के तो एक्सपोर्ट होता है बने ममालिक में भी। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त न्यूज़ आपने शेयर किए उरूसा, मुझे बहुत मजा आया, आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो अब आपका क्या ख्याल है कि हम इमोशन की तरफ बढ़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे शो का नाम है इमोशन एक्सप्रेस, और उसके अंदर जब तक हम इमोशंस को डिस्कस ना करें तो फिर हमारा शो तो अधूरा रह जाएगा। तो आज हम कौन से इमोशन पे बात करने वाले हैं उरूसा? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा जो है वो एक अच्छा टॉपिक है जिस पर बात होनी चाहिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है Gratitude. यानी आपका किसी शख्स को उसके अच्छे काम पर शुक्रिया कहना, उसका शुक्रगुजार होना, जो हमारा टॉपिक है आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में इंग्लिश में एक बहुत सेइंग भी है कि जो बहुत ज्यादा मशहूर है, और वो ये है कि ग्रेटिट्यूड इज द सिंबल ऑफ नोबल सोल। तो देखिए कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, यानी कि जो रूह की पाकीजगी है ना उसका सिंबल कहा गया है ग्रेटिट्यूड को, यानी कि आपका शुक्रिया कहने को। और ये चीज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जब आप किसी को शुक्रिया कहते हैं तो अगले बंदे को जो है ना वो एक पता चलता है कि ये जो इंसान है ये वाकई ही इंसान है, यानी कि इसको ना वो हसद और किसी को वो जो है वो हकीर समझना वो चीजें सब खत्म हो जाती हैं इंसान के अंदर से ना, जब आप किसी के अच्छे काम पर उसे शुक्रिया बोलते हैं। और शुक्रिया बोलना भी चाहिए, अगर आप शुक्रिया नहीं बोलेंगे तो जाहिर बात है नेक्स्ट टाइम जब वो बंदा आपका काम कर रहा होगा तो कहेगा कि बड़ा ही कोई नकचड़ा आदमी है। क्या कहती हैं आप इस पे?
बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि हम जब किसी को शुक्रिया अदा करते हैं तो वो कहते हैं, जैसे दोस्त, अगर दो दोस्त हैं और वो किसी के काम आ रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं आपस में, वो एक दूसरे के काम आ रहे हैं। अब उनमें से जिस दोस्त का एक दोस्त ने काम किया, ठीक है, और उस जिसका काम किया उस दोस्त ने अपने उस दोस्त का शुक्रिया अदा किया, तो बाज़ औक़ात हम दोस्ती में कहते हैं ना कि नो थैंक्स एंड नो सॉरी, तो कि भाई दोस्त हैं तो हम क्यों एक दूसरे को सॉरी करें या एक दूसरे को शुक्रिया करें, ठीक है ना। लेकिन और लोग उसको समझते भी हैं कि भाई ये एक रस्मी तरीके से जो है वो हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, ये रस्मी नहीं होता। जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, चाहे वो आपके स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपके जो रिश्ता है उसको आगे बढ़ने में अहमियत मिलती है, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ावा मिलता है, उसमें मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे का एहसास पैदा होता है, क्योंकि शुक्रिया भी एक एहसास है, एक अपनायत का एहसास है, ठीक है ना, जिससे आपको शो होता है कि सामने वाला आपके लिए अपना है और एक खास इसकी अहमियत है, ये आपके लिए कितना जरूरी है। क्योंकि देखें, हम मदद भी तो तभी इंसान की करते हैं ना जो हमारा अपना होता है, एहसास भी तो हम उसी इंसान का करते हैं ना जो हमारे लिए कुछ अहमियत रखता है, कुछ खास होता है, और हम दिल से चाहते होते हैं कि हम उसकी मदद करें। और कहीं ना इंसान, देखिए, शुक्रिया के पीछे कोई भागता नहीं है। अगर हम किसी का शुक्रिया नहीं भी अदा करेंगे तो किसी को नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन उसे एक उम्मीद होती है कि यार इसे शायद मेरा ये काम करना बहुत अच्छा लगा है, और उसे अप्रिसिएशन भी मिलती है, उसे मोटिवेशन भी मिलती है कि जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जब हम किसी का शुक्रिया नहीं अदा करते ना, और क्या होता है कि सामने वाले की उम्मीद टूट जाती है, तो फिर वो अगली बार ना हमारा काम नहीं करता, हमारे काम नहीं आता, क्योंकि हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसको मोटिवेट नहीं करते, हम उसको आगे नहीं बढ़ाते। बिल्कुल। और इसके अंदर एक और चीज जो कि बहुत अहम है वो ये है कि रिश्तों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देता है आपका किसी को शुक्रिया कहना, आपका इजहार करना कि आप जो है वो ग्रेटफुल हैं, आप थैंकफुल हैं। और अगर आप इस चीज का इजहार नहीं करते, आप एक्सप्रेस नहीं करते उस चीज को, तो वो चीज एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये बंदा तो जो है वो अच्छा है थोड़ा सा, और ये जो है वो इसमें तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, ना किसी को शुक्रिया बोलता है, ना किसी के लिए जो है वो थैंकफुल होता है, तो इस बंदे का काम किया जाए या ना किया जाए वो एक बराबर है। और इसमें एक और चीज पर भी हम जो है वो बात कर सकते हैं कि शुक्र अल्लाह, यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो आप देखें कि जो अल्लाह है वो भी कहते हैं शुक्र अदा करो तो मैं बढ़ा दूंगा, यानी कि इस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी कि जब अल्लाह ताला आपको ये कह रहा है कि आप मेरा शुक्रिया अदा करो तो मैं बढ़ा दूंगा, तो जाहिर बात है फिर इंसान तो चाहता ही है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए और उसे थैंक्स कहा जाए। ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर फीलिंग्स होती हैं उसके दिल में कि जब वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसे सराह करे। तो जाहिर बात है जब आप किसी को थैंक्स करेंगे, जब आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे, जब उन्होंने आपके साथ कोई अच्छाई की है, चाहे वो कोई भी हो, आपका कोई रिश्ता हो, आप जरूर थैंक्स बोले उनको। और आप देखिएगा ये जो थैंक्स होता है, ये रिश्तों में जो है वो अपनायत होती है, जो उसको बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसको इन्हेंस कर देता है, और आपके रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, अंदर से खूबसूरत हो जाते हैं। इनके लोगों के दिलों में एक एहसास होता है कि ये शख्स वाकई जो है वो ना तो जो है वो गुरूर वाला है, ना घमंडी है, ठीक है। इनके जब आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, आप उनको थैंक्स बोलते हैं, तो वो चीजें अच्छी ही आपके लिए साबित होती हैं, कभी भी आपको इससे नहीं होता। और जिस तरह आपने बात की ना उरूसा के, हमें हर हाल में, मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जिंदगी दी अल्लाह ताला ने, दुनिया में भेजा हमें अल्लाह ताला ने, दुनिया में जो इतनी सारी नेमतें हैं, हम आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर हैं, हम सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी नेमतें हमें किसने दी हैं? हमारे रब अल्लाह ताला, ठीक है ना। तो हमें हर हाल में जो हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया ही हम अदा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादत के मोहताज नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्या है कि हम अल्लाह ताला के आगे जब झुकते हैं तो अपने काम के लिए झुकते हैं ना, अपने लिए ही मांगते हैं ना, अपने आगे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी इबादत के जरिए, यानी अल्लाह ताला से जुड़ने का जो तरीका है वो है अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला की इबादत करना,
तो अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी हम अल्लाह ताला की इबादत करके ही करते हैं, और फिर अल्लाह ताला हमें माफ कर देते हैं, हमें अपनी और मजीद जो नेमतें हमें चाहिए होती हैं वो हमें नवाजते हैं। और अगर अल्लाह ताला बाज़ औक़ात हमें हमारी नेमतें नहीं देते या हमारी दुआएं अक्सर औक़ात नहीं कबूल होती हैं, तो वो अल्लाह ताला हमें आजमाते हैं कि हम अल्लाह ताला के कितना आगे झुक सकते हैं, उनका हम कितना शुक्र अदा कर सकते हैं, या हम उनकी कितनी इबादत कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात आपका स्टेमिना भी आपको बता रहा होता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आपके अंदर कितना स्टेमिना है उस चीज को बर्दाश्त करने का, उस मुश्किल से गुजरने का। तो ये भी चीज जो है वो यानी कि आजमाई जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है रूसा कि हम जरा जरा सी बात पे कहते हैं कि हमें तो ये नहीं मिला, हमारी तो ये चीज पूरी नहीं हो रही, हमारी ये जो दुआ है वो कबूल नहीं हो रही, पता नहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज तो नहीं है या ये तो नहीं है। नहीं, देखिए नाराजगी वाली बात, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे करते हैं 70 माओं से ज्यादा प्यार, ठीक है ना, तो फिर अल्लाह ताला हमसे कैसे नाराज हो सकते हैं। बस अल्लाह ताला जब हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहे होते ना, तो वो इसी इंतजार में होते हैं कि हम कब अपने अल्लाह के आगे झुकें। हम माँ बाप से भी तो चीजें मांगते हैं ना उरूसा, ठीक है ना, हम लोगों से भी तो मांगते हैं ना, उम्मीद होती है ना कि हमारे माँ बाप हमारी मदद कर देंगे या ये फला बंदा हमारी ये मदद कर देगा। हम अल्लाह ताला से क्यों नहीं उम्मीद लगाते? जिस दिन अल्लाह ताला से हम उम्मीद लगाएंगे तभी तो हमारी दुआ कबूल होगी, तभी तो हमें हमारी खुशियां हासिल होंगी, तभी तो हमारे मसाइल हल होंगे। बिल्कुल, और सूरह रहमान में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। बेशक, तो उस नेमत का ना झुठलाना वो कैसे हो? हम अल्लाह ताला की नेमतों को ना झुठलाएं, उसका शुक्र अदा करें, और बेशक अल्लाह ताला शुक्र करने वालों से ही मोहब्बत करते हैं और उनके लिए अपनी नेमतों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब उस बात के लिए एक जिसको हमारे शुक्र की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम शुक्र अदा ना करें तो अल्लाह ताला की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी अपनी जात के लिए है। तो जब हम उस खुदा से जो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जब हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जब हम उसका शुक्र अदा करते हैं उसकी नियमतों पर, तो जो आम इंसान है जो चाहता ये है कि उसको सराहा जाए और जो उसके अच्छे काम है उस पर उसे कुछ रिवॉर्ड मिले, जो ग्रेटिट्यूड है, जो शुक्रिया अदा करना है, वो एक बहुत ज्यादा अहम है। और हमें इन चीज़ों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना चाहिए, और जो हमारी अखलाकियात होती हैं वो इन्हीं चीज़ों से ही मापी जाती हैं कि कोई बंदा कितना जो है वो इखलाक वाला है, तहजीब वाला है, कितना सिविलाइज्ड है। तो वो चीज़ें इन्हीं चीज़ों से ही मापी जाती हैं एंड काउंट की जाती हैं। और बेशक इस चीज़ को हमें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए हर जगह, आप ऑफिस में, आप घर में, आप स्कूल कॉलेजेस में हैं, अब जहाँ पर भी है, इनफैक्ट अपनी बहन भाई, क्योंकि हम उनको तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, हमें उनको भी उनकी अच्छी चीजों पर, उनकी अच्छी बातों पर हमें उनका भी शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि वो हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं और जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो कितना इम्पोर्टेंट है और हमें कितना अच्छा लगा, और जरूर अपनी इन चीजों का इजहार किया करें और इन चीजों को एक्सप्रेस किया करें। अच्छा जी, आज का जो हमारा शो था, पता ही नहीं चला कि एक घंटा आप लोगों से इतनी सारी गुफ्तगू करते करते गुजर गया, और हमने पाकिस्तान के हवाले से कुछ मुख्तलिफ खबरें शेयर की, साथ ही साथ अल्लामा इकबाल को हमने खराज तहसीन पेश किया, 14 अगस्त के हवाले से हमने जिक्र किया, और साथ ही साथ हमने अल्लामा इकबाल की कुछ शायरी पढ़ी, इसके साथ साथ जो है वो उरूसा ने इसके ऊपर तबसरा किया, और फिर हमने एंड में जो है वो शुक्रिया के ऊपर जो है बात की, शुक्रिया की अहमियत के हवाले से। और बहुत अच्छा लगा उरूसा के साथ, मेरा फर्स्ट शो था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और बड़ा मज़ा आया मुझे उरूसा के साथ काम करते हुए। पहले शो के अंदर पहला एपिसोड हमारा बड़ा सक्सेसफुली जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। इंशाल्लाह आगे जो हमारे एपिसोड्स होंगे वो इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे, और भरपूर तरीके से हम दोनों की कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग आपके साथ रहेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये शो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट शो पे जब आप लोग के कमेंट्स या आप लोग के मैसेजेस हम तक मौसूल होंगे तो उनसे हम मजीद और अंदाज़ा लगा सकेंगे। उरूसा, आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, तो हमारा शो है ये इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है, और अख्तिताम मेरे भी एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा, और जो पहला शो था वो इस तरह गुजर गया कि पता ही नहीं चला कि कैसे हमारा जो टाइम है ये अपने इख्तिताम को भी पहुँच चुका है। तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को अप्लाई करें और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसी तरह आपकी ज़िंदगी और आपके साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत बन सकती है। तो हमारा शो पहुंचता है इख्तिताम की तरफ, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
जी तो उरूसा साइनिंग ऑफ कर चुकी हैं और मेरे भी इजाजत चाहने का वक्त आ चुका है। तो आज हम लोगों ने सीखा, बल्कि काफी अरसे से सीखा तो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अप्लाई नहीं करते। तो हमने एक दूसरे का शुक्रिया अदा करना है और एक दूसरे को इस बात का एहसास दिलाना है कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और आपके अपने हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको जिंदगी के किसी भी मोड़ में हमारी मदद की जरूरत होगी तो हम आपके साथ होंगे और आपके शुक्रिया के मुंतजिर होंगे। तो आप लोगों ने इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि हम भी आपकी शुक्रिया के मुंतजिर रहें। लिसनर्स, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, नई सुबह वेब रेडियो के साथ रहना है और नई सुबह वेब रेडियो और हम तमाम आरजेस आपको हमेशा इसी तरीके से सराहते रहेंगे गाहे बगाहे। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अक्सर ज्यादा इस साइनिंग ऑफ। फी अमान अल्लाह।